दोस्तों, भगवान विष्णु और भगवान शिव हमारे प्रमुख देवता है। वे दोनों ही संपूर्ण है और सर्वशक्तिमान है। दोस्तों, आप सब लोग ये जानते ही होंगे कि भगवान शिव हमेशा भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हैं और भगवान विष्णु शिव के नाम का स्मरण करते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु एक दूसरे के परम भक्त है। फिर भी दोस्तों, पौराणिक कथाओं में तो ऐसी कहानियां मिलती है जहाँ स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शिव में युद्ध हुआ है। तो दोस्तों, यह युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। और दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, भगवान शिव ने अपने साकार रूप में आने के पश्चात प्रकृति को मतलब माँ आदिशक्ति को खुद से अलग कर दिया था, जिससे ब्रह्मा इस सृष्टि का निर्माण कर सके। प्रकृति को खुद से अलग कर देने के पश्चात भगवान शिव ध्यान करने लगे और ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करने का दायित्व लिया और भगवान विष्णु ने सृष्टि के पालन करने का दायित्व लिया। ब्रह्मदेव ने अपना दायित्व पूर्ण करने हेतु अपने कई संतानों को और सप्त ऋषियों को जन्म दिया। वैसे ही सृष्टि के कार्य को निर्विघ्न रूप से पार करने के लिए और सृष्टि की प्रजा का पालन और मार्गदर्शन करने के लिए ब्रह्मदेव ने अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति के पद पर आरूढ़ कर दिया। यहाँ दूसरी तरफ जब महादेव लाखों करोड़ों वर्षों के बाद ध्यान से बाहर निकले तो वे माता आदिशक्ति से विभक्त होने के कारण उदासीन व अपूर्ण महसूस करने लगे। इस उदासीनता के कारण महादेव वैरागी बन गए और एक सामान्य वैरागी के भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन ब्रह्मदेव और विष्णुदेव महादेव के पास आए और उन्होंने महादेव से कहा कि हे महादेव, समय आ गया है कि आप सृष्टि के कार्यों में सक्रिय हो जाए। लेकिन महादेव ने वैराग्य प्राप्त कर लेने के कारण सृष्टि के किसी भी कार्य में सम्मिलित होने से मना कर दिया। महादेव के असक्रियता के कारण सृष्टि अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पा रही थी। अतः विष्णुदेव और ब्रह्मदेव ये जान चुके थे कि महादेव को सांसारिक क्रियाओं में सक्रिय करने के लिए उन्हें वैराग्य से बाहर लाना पड़ेगा और महादेव को वैराग्य से बाहर लाने के लिए महादेव का और माँ आदिशक्ति का पुनः मिलन होना अनिवार्य है। तब माँ आदिशक्ति और भगवान शिव के पुनः मिलन हेतु ब्रह्मदेव ने अपने पुत्र प्रजापति दक्ष को माँ आदिशक्ति को प्रसन्न करने के लिए कहा। माँ आदिशक्ति को प्रसन्न करने के लिए प्रजापति दक्ष ने कई सालों तक तपस्या की और माँ आदिशक्ति को प्रसन्न किया और उनसे यह वर प्राप्त किया कि वे एक बालिका के रूप में उनके घर जन्म ले और सही समय आने के पश्चात महादेव से विवाह करें। जब प्रजापति दक्ष ने माँ आदिशक्ति से यह वर प्राप्त किया और वे अपने महल लौट कर आए, तब माँ आदिशक्ति एक बालिका के रूप में उनके घर जन्म ले चुकी थी। प्रजापति दक्ष ने उस बालिका का नाम सती रख दिया। जब सती बड़ी हो गई तो एक दिन ऋषि अंगिरा ने सती को अपने यज्ञ में आने का आमंत्रण दिया। जब सती अंगिरा ऋषि के यज्ञ में जा रही थी तब वे अपना रास्ता भटक गई और एक जंगल में आ पहुंची। उसी जंगल में महादेव अपने वैरागी स्वरूप में थे। जब देवी सती और महादेव की उस जंगल में भेंट हुई तब देवी सती ने महादेव से उस वन से निकलने का मार्ग पूछा। महादेव ने देवी सती को वहां से निकलने का मार्ग बताया और देवी सती उस वन से चली गई। जब महादेव और देवी सती उस क्षण के लिए एक दूसरे के सहवास में थे तब महादेव को पूर्णता का आभास हो रहा था। तब ब्रह्मदेव और विष्णुदेव महादेव के सामने प्रकट हुए और उन्होंने महादेव से कहा कि वे देवी सती से विवाह बंधन में बन जाए, लेकिन वैरागी महादेव ने विवाह करने से मना कर दिया। यह सुनकर ब्रह्मदेव चिंता में पड़ गए और उन्होंने श्री हरि विष्णु से कहा कि महादेव इसी तरह असक्रिय रहे तो जल्द ही सारी सृष्टि विनाश की ओर अग्रसर हो जाएगी, अतः आप ही इस समस्या का समाधान करें। भगवान विष्णु ये समझ चुके थे कि वैराग्य प्राप्त कर लेने के कारण महादेव ने अपने सारे भाव को मन में ही दबा लिया है और वे सृष्टि में असक्रिय हो गए हैं। अगर महादेव को सृष्टि में सक्रिय करना है तो उनके मन में दबे सारे भाव को स्वतंत्र करना पड़ेगा। यह सोचकर विष्णुदेव ने अपनी लीला आरंभ कर दी और विष्णुदेव ने अपने वाहन गरुड़ को यह आदेश दिया कि वे इस पृथ्वी के सारे सर्पों का अंत कर दें।
श्री हरि विष्णु का आदेश पाते ही गरुड़ ने सर्पलोक पर हमला कर दिया और गरुड़ सारे सर्पों को मारने लगा। सर्पों का राजा वासुकी महादेव का परम भक्त था, इस कारण वासुकी महादेव के पास गया और प्राण रक्षा करने की प्रार्थना करने लगा। गरुड़ अकारण ही सर्पों को मार रहा है, यह देखकर महादेव क्रोधित हो गए और युद्ध क्षेत्र में आ गए और उन्होंने गरुड़ से कहा कि तुम सर्पों को मारना बंद कर दो, अन्यथा तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर गरुड़ ने महादेव से कहा कि सर्पों को मारने का आदेश मुझे मेरे प्रभु श्री हरि विष्णु ने दिया है, इस कारण मैं किसी भी हाल में उनका आदेश टाल नहीं सकता, भले ही इसके लिए मुझे आपके क्रोध का सामना ही क्यों न करना पड़े। गरुड़ की यह बात सुन महादेव ने गरुड़ को मारने के लिए त्रिशूल उठाया। तभी विष्णुदेव महादेव और गरुड़ के बीच प्रकट हुए और उन्होंने महादेव से कहा कि गरुड़ मेरा भक्त है और मैं मेरे भक्त को आपके क्रोध का सामना कैसे करने दूँ। अगर आपको गरुड़ के पास पहुँचना है तो पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। विष्णुदेव की यह बात सुनकर महादेव अति क्रोधित हो गए और उनका और विष्णुदेव का युद्ध शुरू हो गया। महादेव और विष्णुदेव अलग अलग शस्त्र अस्त्र से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। महादेव की प्रचंड ऊर्जा के कारण विष्णुदेव की गदा उनके हाथ से छूट कर नीचे गिर गई। तब विष्णुदेव ने सोचा कि यह युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो अनादिकाल तक चलता ही रहेगा, इस कारण विष्णुदेव ने सीधे महादेव के कंठ पर मतलब गले पर वार किया और महादेव का कंठ हाथ में पकड़ लिया। यह देखकर महादेव महाक्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी ऊर्जा से विष्णुदेव को पीछे ढकेल दिया और त्रिशूल का संधान करके त्रिशूल को विष्णुदेव की तरफ फेंका। वह त्रिशूल सीधे भगवान विष्णु की छाती में घुस गया। इस घटना के कारण सारी सृष्टि कुछ क्षण के लिए थम गई और विष्णुदेव भी एकदम शांत हो गए और मुस्कुराते हुए महादेव की तरफ देखने लगे। विष्णुदेव को इस हालत में देखकर महादेव भी एकदम स्तब्ध हो गए और उनके आंखों से आंसू निकलने लगे। तब विष्णुदेव ने महादेव से कहा कि हे महादेव, आपके ये आंसू इस बात का प्रमाण है कि आप अपने सक्रिय रूप में पहुंच चुके हैं। विष्णुदेव की इस लीला के कारण महादेव के मन के सारे भाव स्वतंत्र हो गए और महादेव सक्रिय रूप में आने के कारण सारी सृष्टि अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करने लगी। विष्णुदेव ने महादेव के कंठ पर प्रहार करने के कारण महादेव के कंठ पर कुछ निशान बने, जिनके कारण महादेव का एक नाम क्षितिकंठ महादेव भी है। दोस्तों, भगवान शिव और भगवान विष्णु के युद्ध की और एक कहानी पुराणों में है जो हम हमारे अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी ये प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।